यह आपके सामने यूसुफ इदरीस साहब। इंशाल्लाह ये भी आपको यहीं पर याद हो जाएगा, परेशान नहीं होइएगा, इंशाल्लाह याद हो जाएगा आपको, उम्मीद करते हैं इस बात की। आपने यह इफ्ती साहब को पढ़ लिया, उनके बारे में 1905 1992 उनकी पैदाइश वफात थी। अब इनका जो है, जो आपने वहाँ पर पढ़ा था उसके थोड़ा 1 साल कम कर देंगे तो इनकी वफात हो जाएगी। ये आप देखें 1927 में इनकी पैदाइश होती है, लेकिन इनकी वफात जो 1991 में, और उनकी वफात हुई थी 1992 में। तो थोड़ा सा आपको 90 में आपको याद है उन दो की वफात हुई थी, उमर अबू रिसा, इस्लाम कुद्दूस। 91 में ये आ गए यूसुफ इदरीस, और 92 में कौन आ गया आपके सामने, यही हिक्की। तो कुल 3 4 लोग इस तरह से आ गए हैं आपको, जो याद हो गए होंगे इस तरह से। यूसुफ इदरीस साहब जो है, इनकी पैदाइश वफात भी काहिरा और मिस्र ही में है। ठीक, सिंपल जो लोग आ रहे हैं उनकी एक ही साथ लिखते जाइए इनकी पैदाइश वफात का, क्योंकि पूछेगा। और हमने आपको शुरू में बताया था कि ये जो है वो है अमीरुल किस्सतिल कसीरा, इनको कहा जाता है अमीरुल किस्सतिल कसीरा, ये कहा जाता है इनको। और ये बात भी हम पहले बता चुके हैं आपको कि ये बंदा जो है तबीब है ना, हुआ कातिबुन किससीयुन और मसरहीयुन और रुवाईयुन व मिस्रीयुन व तबीबुन। ये बंदा जो है क्या है, तबीब भी रह चुका है अपने ही। तो इतनी चीज़ें याद होगी आपको। एक लकब इसका तशेखोफुल अरब है। एक लकब तो आपने लिखा अमीरुल किस्सतिल कसीरा, और दूसरा लकब ये लिख लीजिए तशेखोफुल अरब व अदीब रूसी, रूसी अंतोन तशेखोफ, यानी एक रूसी अदीब था अंतोन तशेखोफ, उसकी तरफ निस्बत करके इसको कहते हैं तशेखोफुल अरब। तो दो लकब आप लिख लीजिए, अमीरुल किस्सतिल कसीरा और दूसरा लिख लीजिए तशेखोफुल अरब। उसके बाद देखिए हाज आला बकालोरियस अतिब, तो पहले पहले आप लिख चुके हैं कि ये क्या है, तिब ये जानते थे। तो ये डॉक्टर हैं, और डॉक्टर आपने लिखा था किनके बारे में, माजनी साहब बारे में लिखा था, नजीब किलानी साहब को डॉक्टर लिखा था आपने, और किसको लिखा था डॉक्टर आपने तबीब में, किसको और को है आपके सामने। बहरहाल जितने हैं उतने को लिख लीजिए, एक ये तिब दो हो ही गए, लिखे थे, नजीब यूसुफ किलानी, इदरीस, नजीब कौन, किलानी, और यूसुफ नजीब इदरीस किलानी और कौन है, नजीब किलानी, अच्छा सर दो ही लिखे थे, और उसके क्या बाद, बताया अभी, माजनी। हाँ माजनी साहब को लिखिए, जी और सर, एक और को लिखिएगा, माजनी के अलावा एक और आदमी है, क्या नाम उसका, उसको आप लोग जानते होंगे, वो अपोलो माता है। नए आदमियों में कोई था, अली महमूद, अहमद जकी अबू शादी, हाँ अहमद जकी अबू शादी को लिखिएगा। ठीक, तीन हो गए आपके सामने, तीनों को लिख लीजिए बस, अहमद जकी अबू शादी। ये लोग सिलेबस में नहीं है, लेकिन सवाल तो जरूर बनता है, इसलिए अलग से इन लोग को जरूर लिख याद कर लीजिएगा। अहमद जकी अबू शादी हैं, अब्दुल रहमान शुक्री तो आएंगे सिलेबस में थोड़ा सा, अगरचे अली महमूद ताहा हैं, इब्राहिम नाजी हैं, सलाह अब्दुल सबूर हैं, ये लोग सिलेबस के पार्ट नहीं हैं, लेकिन सवाल बन जाते हैं। कभी इंशाल्लाह देखूंगा, अगर कभी हुआ तो इन लोग को पढ़ा दूंगा एक साथ, कभी नहीं कभी। चलिए इतना लिख लिया आप लोग, अमीला का तबीब बिलकस, ये बंदा जो है तबीब के तौर पर काम कर चुका है, ये भी लिख लिया। इसके अलावा मुहर्रिरुन बिल जमहूरिया, एक अखबार निकलता था मुहर्रिरुन बिल जमहूरिया के नाम से, तो उस अखबार में इन्होंने काम किया। इसी तरह जरीदतुल अहराम में भी काम किया, तो जरीदतुल अहराम में बहुत से लोग काम किए आपके सामने, रिफात हतावी नहीं, मोहम्मद अब्दुल साहब भी आए थे, अभी ये आए हैं, अभी इससे पहले और कौन गुजरे, एहसान एहसान अब्दुल साहब अब्दुल, भी आए। ठीक, उसके बाद आप लिखिए अव्वल मजमुआतुल किससी अरखसु लियाली, ये क्वेश्चन पूछा है इनकी कि बताओ पहला मजमुआ किस्सा यूसुफ इदरीस का कौन है, तो उसका जवाब था अरखसु लियाली, ये लिख लीजिएगा आप। हसल आला विसामिल जमहूरिया 1963 की बात है, और 1990 में इनको जायदादुद दौलत तकरीर दिया गया है। एक साथ कहीं ले जा करके सबको लिख करके याद कर लीजिए कि जायदादुद दौलत तकरीर किसको किसको कब दिया गया। इनकी बीवी का नाम है रजा रफाई, और उससे 3 औलाद हैं। चलिए बस इतना ही तस्करा था, ज़्यादा नहीं, अरे एक बल्कि मिनट ऊपर वो से नहीं,
रुकिए, क्या तो ये मैंने नहीं लिखा था अभी, जायजा तकदीरिया का मिला। क्या लिख लीजिए। 1990, 1990 में उनको दिया गया था जायद मलिक यही हिक्के को, और इनको दिया गया जायद तो तकदीरिया, ऐसा लिख लीजिए आप। अच्छा हाँ, देखिए हमने लिखा है तिब में, मैंने किसको किसको लिखा है आपको, नजीब किलानी, माजनी, माजनी मुकम्मल डॉक्टर नहीं लेकिन फिर भी डॉक्टर उसको लिख लिए, अहमद जकिया गुशादी, ये लिखे आप लोग। उसके अलावा आप लिखे जुर्दी जिदान को, ये भी तबीब है, जुर्दी जिदान। जुर्दी जिदान के अलावा आप लिखेगा अब्दुल हय अल हसनी साहब को, इंडियन में से, ठीक। जुर्दी जिदान को वाव के साथ लिखते हैं, जुर्दी जिदान, और लिखेगा अब्दुल हय अल हसनी जो इंडियन वाले हैं ये, और इब्न तुफैल को लिख लीजिएगा, ये सब डॉक्टर थे। इब्न तुफैल का हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा लेट लगेगा लेकिन पढ़ेंगे। तो ये तीन चार लिख लिया आप लोग, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए इनकी किताबें, अरखुसुल आले आपने लिखा सबसे पहला मजमू किस सिया, जमीरतु फरहात अलबत्तल लिख लीजिएगा, सवाल पूछ चुका है एनटीए हम लोग से, ये पूछा था कि बताओ कौन सी किताब नहीं है उसकी, यूसुफ इदरीस की। तीन किताब यूसुफ इदरीस की थी और एक किताब किसी और का दे रखा था, तो इस तरह से पूछा था हम लोग से शायद कभी। तो देख लीजिए हदसतु शर्फ, अलैसा कदालिक, आखिर दुनिया, अलैसा, ये सब किसस है, ठीक। इसे डोट मत खाइएगा, कुछ और है, सब किसस है। लास्कुल अस्वद और काउल मदीना, लगतुल आई आई, ये तो ऐसे याद आ जाएगा आपको, लगतुल आई आई तो बड़ी अजीब सी है, तो ये किसकी है, यूसुफ इदरीस की। अन्नदाहा, लयातुस सईफ, कुल कितना याद करना है आपको, अरखसुल लयाली 1954 में, फिर जब जमीयतु फरहाद 57 में, फिर अलबतल, और फिर अलैसा कदालिक, आखिरत दुनिया, और लगतुल आई आई, काउल मदीना, कुछ इसमें से याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा ये हो गया किस्सा, किस्सा में से चार पांच किस्से में से याद कर लीजिए, बल्कि मैं कहूँगा कि 10 में तो रट्टा मार लीजिएगा पूरा। और रही बात अब आगे आपके सामने रिवाया, तो रिवाया देखिए ज़्यादा नहीं है, चार रिवाया तो याद कर ही सकते हैं हम लोग। अल हराम पहला रिवाया 1900 नहीं नहीं अल आयब पहला रिवाया जी, अल आयब पहला रिवाया, फिर हराम है, फिर रिजान व सीरा है, फिर बैजा। तो ये चार रिवाया जबानी याद करना हम लोग को, हराम, आयब, क्योंकि वो इसी तरह पूछता है कि बताओ कौन सा रिवाया है, कौन सा किस्सा है, तो अगर याद रहेगा तो निकाल लेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन। और इनका मसरहिया भी ज़्यादा नहीं है, देखिए मसरहिया इनके कुल जो हैं वो इतने ही हैं, मलिकुल कुत, ये मैंने मसरहिया भी चार, मलिकुल कुत, अल महजलतुल अर्जिया, अल जिन्सु सालिस, अल जिन्सु सालिस से समझ सकते हैं हम लोग इंडिया में, जिन्सु सालिस किसको कहते हैं, इन्हें को पता मुखन्नस को कहते हैं इंडिया में, इंडिया में नहीं सभी जगह कहते हैं। चलिए अल्फराफिर, तो कुल किस आपके सामने कितने हुए, मसरहिया इन्होंने चार जिक्र किए हैं, और मैं वो किताब लेकर के आता हूँ 2019 वाली, तो उसमें कुछ और है एक दो, और एक पहलवान है, पहलवान लिख लीजिए यहीं से, पहलवान इनका मसरहिया है, वैसे भी याद रह जाएगा इंडिया का पहलवान, रुस्तम पहलवान। तो इनकी जो भी याद करनी है आपको, किताबें याद करनी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बस। उनका तस्करा हमने फाखुरी ने क्यों नहीं किया, ये नहीं समझ में आता है, हालांकि यूसुफ जैसा करने चाहिए। ये देखिए सिंपल सा वही तस्करा यहाँ पर भी है, बदला नहीं है बिल्कुल भी, और 1927 में पैदाइश होती है, 91 इनकी वफात हो जाती है। 27 आपको याद है, 26 में कल बताया था एक किताब थी उनकी, ताहा हुसैन की, क्या किताब थी किन्हों की याद है, बहुत मशहूर किताब उनकी, शेरिल जाहिली, फिर शेरिल जाहिली ना, फिर उसके एक साल के बाद 1927 में उन्होंने उसी किताब को
फिर अदबिल जाहिली के नाम से शाय किया था, ये भी लिख लीजिए आप अगर ना लिखे हो कोई साथी। फिर शेरिल जाहिली को एक साल बाद यानी कि 1927 में फिर अदबिल जाहिली के नाम से शाय किया था। ठीक, तो अगले 1927 में इनकी पैदाइश भी हो रही है, तो दोनों चीज़ एक साथ याद हो जाएगी आपको। फिर अमरुख की सतिल अरबी है, ये आपने याद कर लिया। मुआसिस तुफैल अकसूसा था आपके शौकीज है महमूद तैमूर। फिर यही हिक्की साहब थे, रायद फन कसतिल कसीरा, और अमीर उल कसतिल कसीरा कौन हो गए, यूसुफ इदरीस। इस तरह से आपने याद कर लिया था। ये तिब में बीए किस में किए हैं, तिब में, और ये तिब का काम भी किए हैं बहुत जगह पर। उन्होंने बहुत से अखबार में लिखा है, जैसे कि जरीदा अहराम में भी लिखा है इन्होंने। और उसके अलावा इनका पहला मजमू अरखसुल लयाली जो है, ये शाया हुआ था 1954 में, ये आपको याद करना हर हाल में। और विसामुल जमहूरिया इनको दिया गया था, मतलब ये डॉक्टर हो करके इतने बड़े कातिब भी, ये बड़ी बात है। जायजा दौलत तशजीया इनको दिया गया था 1966 में, ये कौन सा जायजा है वो। अभी जायजा दौलत तकदीरिया के बारे में क्या आया था इनके बारे में, सर 1990 में मिला था, 1990 फिर ये कौन सा है, ये कोई और है मुझे लगता है। में। ये 1991 वाला जिक्र कर रखा है ना, तशजीया, शायद वही दौर तकदीरिया जो 1990 में दिया गया था उसी की बात कर रहा है शायद ये। और देखिए इनके बारे में यही बात है, वो वाहिद मिन अशहर अतिब्बा अल्लज़ीन तरकु अत्तिब्ब लियम्तहिनु अदब, ये उन मशहूर डॉक्टरों में से एक है जिन लोगों ने तिब को छोड़ दिया ताकि अदब को अपना पेशा बनाए, ये भी उन्हीं में से है। फिर आपने याद किया इनका पहला किस्सा जो है मजमुआ अरखसुल लयाली, जमीयतु फरहाद, रईस कदालिक, काउल मदीना, लुगतुल आई आई, ये आपको याद रहेगा। और बैतुमिन लहम आपको याद रह सकता है, इस तरह मैं बताऊं, बैतुमिन लहम कहाँ की जमीन है बताइए, तो किस जगह के शहर का नाम बैतुल बैतुल मिन लहम या बैतुल लहम है, इन्हें हम लोग पढ़े हैं, फितवा तौकार में पढ़े होंगे या फिर एक महमूद दरवेश में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं याद है। फलस्तीन के एक शहर का नाम बैतुल लहम भी है शायद, शायद नहीं बल्कि मैं सही कह रहा हूँ। आखिर दुनिया, अलबतल, नदाहा, अन सुल्तान वजूद, हादम शरफ, मशोरा, ये कुछ इनके किस्से हैं सिर्फ। और इनके जो रिवाया हैं वो ये हैं, चार रिवाया हैं सिंपल सा, चार को देख लीजिए। ये पहले नंबर पर अलहराम, फिर आय, फिर अस्कर अस्वद, फिर अलबैजा। और इनके जो मसरहिया हैं वो ज़्यादा नहीं है, कम से कम चार याद कर लीजिएगा, मलिकुल कुत, मसरतुल अर्ज़िया, जिन्सुसारिस, अलफराफीर, मुखत्तीन, अलबहलवान, ये पहलवान के वजन पर, इसी बंदे की तावार शायद किसी की नहीं होगी, पहलवान इस सब पर लिख लिया आप लोग सब। जी सर, अच्छा, यहाँ पर अलहराम नाम की किताब आई, आप देखें ये किताब जो थी अलहराम नाम करके, आप देख रहे हैं इसको, ये अलहराम नाम करके इनकी रिवाया है ना, अलहराम नाम करके आगे लिखिए एक कसीदा अहमद शाइब का, इसी के आगे इस तरह खींच करके और लिखिए कसीदा अहमद शाइब, कसीदा लिख लीजिएगा ठीक अपने काप में हल्का सा, अलहराम नाम करके, यही नाम करके उनका कसीदा अहमद शाइब साहब का। एक इनका रिवाया और लिखा रखा किसी ने मुझे, बिसराहतिन गैर मुतलका, बिसराहतिन रिवाया है ना, इसी में लिख लीजिएगा कहीं जगह निकाल करके, चार तो रिवाया जिक्र किया इसने, और उसके अलावा एक और लिख लीजिएगा बिसराहतिन गैर मुतलका, ये रिवाया है कि मकाला है, या अल्लाह मैंने मकाला लिखा है उससे गूगल से, पहले एक किताब के तौर पर लिख लीजिए आप बिसराहतिन गैर मुतलका को, इस तरह से बिसराहतिन गैर मतलब, लेकिन इनका रिवाया और मजीद लिखा है किसने मुझे, रिजालुन वसीरान, लिख लीजिए आप भी, दो चार तो ऐसे याद ही कर लीजिएगा, रिजालुन वसीरान, बड़ी सा रिजालुन वसीरान, ये इनका रिवाया लिखा रखा किसी ने।
बाकी चीज़ें आप लिख लिए ठीक, बाकी मज़ीद नहीं है कुछ और। आप लोग पास कुछ मज़ीद हो किसी पास तो बताइए। चलिए ठीक, ये हो गया इनके बारे में, तो कुछ कहेंगे तो कहिए। हफीज़ुर रहमान आप लिखें इसको या आप पेरेंट्स नोट बना रखें।